नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मुनीता रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी नान। तंदूरी नान तवे पर भी आसानी से बन जाते हैं और बड़े अच्छे से बनते हैं। अगर हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी गायब है या तंदूरी नहीं है तो हम तवे पर भी आसानी से तंदूरी नान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी आसान सी विधि। मैदे को किसी बड़े प्याले में निकाल लीजिए। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके लिए हमें 1/2 कप दही लगेगा। सबसे पहले मैदे को बीच से हटाकर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। अगर घर में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 चम्मच खाने का सोडा डाल सकते हैं। सारी चीजों को पहले दही के साथ अच्छी तरह मिलाइए। आप अपने घर की कोई भी कटोरी से मैदे का मेजरमेंट कर सकते हैं। 2 कटोरी मैदे में 1/2 कप आपको दही लेना है। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म पानी डालेंगे। हमें इसे एकदम नरम आटा गूंथकर तैयार करना है। आटे को हाथ पर तेल लगाकर मसल मसल कर एकदम चिकना होने तक गूंथना है। आटे को चिकना करने में 5-6 मिनट लग जाते हैं। इतना आटा लगाने में लगभग 1/2 कप पानी लग जाता है। गूंथे आटे को हम 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, 2 घंटे बाद हमारा आटा फूलकर तैयार है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच हल्का गरम घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं। नान बनाने के लिए हमारा आटा तैयार है। हाथ पर सूखा आटा लगाकर या तेल लगाकर आटे को पंच कर लीजिए। अब मैंने आटे से 1 लोई तोड़ ली है। इसे गोल करके अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। आप चाहे तो इसके 4-5 लोइयां बनाकर रख सकते हैं। और लोइयां को कपड़े से ढककर रख लीजिए ताकि ये सूखे नहीं। तवे को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे नान के आकार में बेलेंगे। नान को हल्का मोटा गोल या ओवन शेप में बेलकर तैयार करना है। देखिए, ये सिकुड़ता है। इसको किनारे से फैलाना है। अगर ये किनारे से ज़्यादा सिकुड़ने लगे तो आप हल्के से मैदे में इसको लपेटिए और इसको बेलिए। मैंने गूंथे हुए आटे में ऊपर से घी लगा कर रखा था, इसीलिए मैंने सूखे मैदे का बेलने के लिए यूज़ नहीं किया है। नान बेलकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी करात और कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये ऊपर निकले ना। देखिए, इस तरीके से बेलना है। अब हम इसको धीरे से उल्टा करेंगे और ऊपर से चारों तरफ हाथ से पानी लगा देंगे। गीले सरफेस को नीचे यानी कि तवे की ओर करते हुए नान को तवे पर सिकने के लिए डालिए। ऊपर की सरफेस को हम थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे। ऊपर की सरफेस हल्की सी डार्क होने पर यानी कि निचली सतह सिकने पर तवे के हैंडल को पकड़िए। गैस फ्लेम पर तवे को उल्टा करते हुए रखिए और तवे को इधर उधर घुमाते हुए नान को देखते हुए चारों ओर चित्ती आने तक नान को सेकिए। तवे को वापस सीधा करके गैस पर रखिए।
इसको ऊपर से अच्छे से सेकना है ताकि ये कच्चा भी ना रहे और दिखने में सुंदर भी दिखे। हमारा नान बनकर तैयार है। अब हम कलछी की सहायता से नान को तवे से निकाल लेंगे। देखिए इसकी निचली सतह भी अच्छे से सेक चुकी है। हमारा नान रेडी है। इसी तरीके से एक और नान बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से सारे नान बनाकर तैयार कर लीजिए और नान को घी लगाकर गरम गरम सब्जी के साथ सर्व कीजिए। नान हम गाढ़े ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने नान के साथ क्रीमी पनीर मसाला सब्जी बनाई है। क्रीमी पनीर मसाला सब्जी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। हमारे गर्मा गर्म नान बनकर तैयार है। क्रीमी पनीर मसाला के साथ मैंने नान सर्व किए हैं।